हेलो स्टूडेंट, दिस साइड विशाल राहल एंड टुडे वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑन हैसलो। ठीक है, हैसलो के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो पहले अगर ये जाने कि हैसलो है क्या, तो हैसलो देखिए क्या कहता है कि अगर कोई भी रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है, तो चाहे वो एक स्टेप में जाए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक, चाहे वो एक से ज़्यादा स्टेप में जाए, उसमें जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू हैसलो। एक्चुअली द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आर स्लाइटली टिपिकल। एक्चुअली द टिपिकल थिंग्स इन दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इज टू एक्सट्रैक्ट द डाटा फ्रॉम थ्योरी। ओके, सो जो मोस्ट टिपिकल थिंग्स होती है इन दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, वो जो है डाटा एक्सट्रैक्ट करने में आती है, यानी कि जो डाटा लिखा हुआ है उसको सही तरीके से मेंटेन कैसे किया जाए, लिखा कैसे जाए। तो आइए चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कंबशन ऑफ वन मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन इन वन एटमोसफेयर। ओके, यानी कि ये कह रहे हैं कि कंबशन हो रहा है एक मोल ऑफ बेंजीन का, यानी कि एक मोल ऑफ बेंजीन को जलाया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आफ्टर कंबशन CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड एंड 3 to 6-7 किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड, यानी कि निकल रही है। लिबरेटेड माने रिएक्शन में से हीट इवोल्व हो रही है, यानी कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो मैं इस डाटा को जरा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये कह रहे हैं कि बेंजीन का कंबशन हो रहा है, तो बेंजीन हमारी ये है, इसका कंबशन यानी कि इसको जलाया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और CO2 एंड H2O जो है प्रोडक्ट बनी है यानी कि निकली है, और 3 to 6-7 किलो जूल हीट लिबरेट हुई है। लिबरेट हुई है मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और हमको जो है नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा अब इसको बैलेंस भी करना बहुत ज़रूरी है, तो बैलेंस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि हमको जो है एक मोल ऑफ बेंजीन के जलने की एंथैल्पी दी हुई है। अगर मैं यहाँ पर दो के मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर दो की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम इसके हिसाब से बैलेंस करेंगे, ना कि इसमें किसी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 6 कार्बन है, तो मैं इधर 6 की मल्टीप्लाई करूँगा, 6 हाइड्रोजन, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई 3 इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऑन द राइट साइड, एंड हेयर यू सी द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बी बैलेंस्ड बाय मल्टीप्लाइंग 15/2। ठीक है, क्योंकि इधर देखिए 15 मॉलिक्यूल एटम है ऑक्सीजन के। ठीक है, सो ये डाटा रहा। अब आइए नेक्स्ट पर आते हैं। तो अच्छा, और भी कुछ डाटा इसमें गिवन है, वो है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O इज गिवन। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है, देखिए वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि जो बना है, फॉर्म हुआ है, CO2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखी है -393 किलो जूल पर मोल। तो देखिए फॉर्मेशन दे रखी है, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्म हुआ होगा, वो बना होगा, और बना होगा तो वो प्रोडक्ट रहा होगा। ठीक है, दैट इज़ वाई मैंने जो है एरो के इस साइड CO2 को लिखा है। और अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन याद हो, तो उसमें कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल बना है वो किससे बना होगा, वो उसी के अंदर आने वाले एलिमेंट से बना होगा, और वो एलिमेंट अपनी स्टेबल स्टेट्स में होंगे। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, दोनों की जो स्टेबल स्टेट है वो कार्बन की C है और ऑक्सीजन की O2। ठीक है, अगेन H2O की भी फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखी है, तो मैं H2O को भी इसी प्रकार से लिखूंगा, H2O की है -285 किलो जूल पर मोल। ये भी एक मोल की दे रखी है, तो मुझे इसमें भी एक 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 ही रहना है, यहाँ पर दो नहीं आने दूंगा, क्योंकि दो अगर यहाँ पर आ गया तो मुझे इसमें दो की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसी के हिसाब से हम एलिमेंट्स लिखेंगे इधर की साइड। तो हाइड्रोजन की स्टेबल फॉर्म है H2 और ऑक्सीजन की है O2। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हाफ की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो है ये हमारा क्वेश्चन में डाटा गिवन है, वो दे रखा है, आपको इसी प्रकार से डाटा जो है इसमें लिखना है। अब देखिए पूछा क्या गया है, वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन के बनने में, C6H6 के बनने में कितनी एंथैल्पी जाएगी। ठीक है, ये एंथैल्पी हमको बतानी है कि इसके बनने में कितनी जाएगी।
तो फिर से हम पहले लिख लेते हैं कि इस किस किस से बना होगा। इसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो कार्बन से बना होगा और हाइड्रोजन की स्टेबल स्टेट है H2, इससे बना होगा। बैलेंस भी कर लेता हूँ, तो 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमको जो है बतानी है, इस इक्वेशन में कितनी एंथैल्पी इन्वॉल्व हुई है, ठीक है। तो मैं इसको जो है नाम दे देता हूँ, मैं इक्वेशन को सभी को नाम दे देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अच्छा, बिफोर डूइंग द नेक्स्ट पार्ट, मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ कि द रिवर्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लिखा है ऐसा, द रिवर्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज। रिवर्स क्या होगा फर्स्ट रिएक्शन का, अगर मैं रिवर्स लिखूँ, 6CO2 3H2O, C6H6 प्लस 15/2O2। तो ध्यान से देखिए, मैंने जो है इसका रिवर्स लिखा है, मैंने रिएक्शन को रिवर्सिबल नहीं कहा, ठीक है, मैंने कहा इसका रिवर्स क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आप CO2 और H2O को मिलाएंगे तो कभी भी C6H6 नहीं बनेगा, तो द रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। मैंने लिखा इसका रिवर्स क्या हो, ठीक है। तो रिवर्स होगा तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव 3267 किलो जूल, ओके। सो ये फर्स्ट इक्वेशन का रिवर्स हो गया मेरे पास, इसको मैं भी नाम दे देता हूँ 5th इक्वेशन, ठीक है। अब मेरे को कौन सी इक्वेशन चाहिए, 4th इक्वेशन मेरे को जो है लानी है। सो टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन रिएक्शन, दैट इज कौन सी है वो 4th इक्वेशन मेरे को चाहिए। देखिए मुझे क्या करना है, अब थोड़ा सा मैथमेटिकली आएगा इसमें, ठीक है, मैथमेटिकली आएंगे, बहुत ही आसान है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि हमको 4th इक्वेशन चाहिए, तो ध्यान से देखिए 4th इक्वेशन कैसे मिलेगी। अगर मैं सेकंड में 6 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को 6 कार्बन मिल जाएंगे, ठीक है, और फिर मुझे क्या चाहिए 3H2। तो अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 3rd इक्वेशन में कर दूँ तो मेरे पास 3H2 आ जाएगा, ठीक है, और फिर मुझे क्या चाहिए, इधर की साइड चाहिए C6H6। तो राइट हैंड साइड देखिए किस इक्वेशन में C6H6 आ रहा है, 5th इक्वेशन में आ रहा है C6H6, तो उसमें किसी की मल्टीप्लाई नहीं करनी, सिंपल जोड़ देना, ठीक है। तो टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन मुझे क्या क्या करना है, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2nd इक्वेशन में, ठीक है, फिर क्या करना है, फिर जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है किसको, 3 की मल्टीप्लाई करके 3rd इक्वेशन में, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों मेरे को मिल जाएंगे यही काम करने से, और C6H6 राइट साइड है तो मुझे वो 5th इक्वेशन मिल रहा है, और उसमें किसी की मल्टीप्लाई नहीं करनी, तो मैं 5th इक्वेशन को यूं ही जोड़ दूँगा, ठीक है। आप रिमेनिंग पार्ट्स की टेंशन ना ले, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह या जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं इक्वेशन में, या दिस साइड, वट एवर द रिमेनिंग पार्ट्स विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। तो देख लेते हैं कैंसिल आउट कैसे होंगे, मैं बता भी देता हूँ किस प्रकार से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले जो है मैं लिख लेता हूँ कि 6 की मल्टीप्लाई, अच्छा राइट हैंड साइड वाला डाटा राइट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला डाटा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और एरो के राइट हैंड साइड वाला डाटा हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से करना है, अगर मैंने 6 की मल्टीप्लाई कर दी 2nd इक्वेशन में, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला डाटा क्या बनेगा, 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन, ठीक है, ये 2nd इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड वाला डाटा हो गया। तो पहले मैं सबके लेफ्ट हैंड साइड वाले डाटास एक साथ लिखूंगा। अब देखिए फिर क्या था, 3rd इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई हुई है, तो 3rd इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जोड़ना है, फिर 3rd इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करी, ठीक है। अब जो है 5th इक्वेशन में किसी की मल्टीप्लाई करनी, यूं ही उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला डाटा जोड़ देना, 6CO2 3H2, ठीक है। सो ये सारा लेफ्ट हैंड साइड वाला डाटा रहा, अब मुझे राइट हैंड साइड वाला डाटा लिखना है, ठीक है। तो वो राइट हैंड साइड वाला डाटा मैं एरो के जिस इधर साइड लिखूंगा, ठीक है। तो फिर से 6 की मल्टीप्लाई करी थी 2nd इक्वेशन में, तो 6 की मल्टीप्लाई जब मैंने 2nd इक्वेशन में की थी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डाटा था राइट हैंड साइड वाला, उसमें 6 की मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिखूंगा 6CO2
फिर मैंने क्या किया था, अच्छा और उसमें कुछ नहीं है तो केवल CO2 ही आएगा। अब राइट हैंड साइड जो है थर्ड इक्वेशन का वो क्या है, H2O, उसमें मुझे 3 की मल्टीप्लाई की थी मैंने, 3H2O प्लस। फिफ्थ इक्वेशन में किसी की मल्टीप्लाई नहीं की है तो राइट हैंड साइड में बिना किसी की मल्टीप्लाई किए यूँ ही जुड़ जाएगा, ठीक है। तो C6H6 प्लस 15O2। तो देखिए जो सभी जो इसमें सब्सटेंस हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो कट जाएंगे, ठीक है। 6CO2 कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट साइड, ऐसे ही ऑक्सीजन ये ऐड होके यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग सॉल्यूशन बचेगी वो बचेगी 6C(3H)(CH)(CH)6 जो कि मुझे चाहिए था, ठीक है। ये इक्वेशन बची है हमारे पास। अच्छा अब ये इक्वेशन आ गई और ये इस प्रकार से आई है, ठीक है। तो इसी की एंथैल्पी में अगर मैं यही काम इसकी एंथैल्पी के साथ कर देता हूँ तो इसका जो है मेरे को इसकी एंथैल्पी मिल जाएगी इस इक्वेशन की, ठीक है। तो ऐसे ही लिखता हूँ मैं, 6 की मल्टीप्लाई करी सेकेंड इक्वेशन में, तो देखिए सेकेंड इक्वेशन में जब मैंने 6 की मल्टीप्लाई करी तो सेकेंड इक्वेशन में एंथैल्पी कितनी थी, 393। तो 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6×-393 प्लस 3 की मल्टीप्लाई करनी है थर्ड इक्वेशन में, तो थर्ड इक्वेशन का जो डाटा है वो है, थर्ड इक्वेशन वो है -285। तो मैं क्या करता हूँ, थर्ड इक्वेशन -285 कर देता हूँ, ठीक है। और फिफ्थ इक्वेशन में जो है मेरे को ऐसे ही ऐड करना है, तो फिफ्थ इक्वेशन 3267, ठीक है। किसी की मल्टीप्लाई करनी सिंपली ऐड कर देना है 3267, ठीक है। कैलकुलेट कर तो ये आएगा आपका -2358, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये भी माइनस का ही आएगा और ये आएगा 855। इसमें किसी की नहीं है तो सिंपली इसी प्रकार से इसको लिख देंगे, तो इसको सम करेंगे तो ये आएगा आपका -3213, ठीक है। और ये 3267 सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा +54 kJ, ठीक है। और ये पर मोल है, ठीक है, एक मोल के, ठीक है, माइनस प्लस के 54 kJ पर मोल यहाँ से आ जाएगा। तो ये जो एंथैल्पी है वो किसकी एंथैल्पी है, C6H6 के बनने की। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।